दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है, ये कोई आपके लिए बुरा संकेत तो नहीं है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी। दोस्तों जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद अगर हमको वाइट डिस्चार्ज आता है तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको किस तरीके से वाइट डिस्चार्ज आना चाहिए, जो कि आपके बच्चे के लिए और आपके लिए ज़रूरी होता है, और आपको किस तरीके के वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होते हैं। इसके बाद जानेंगे कि आपको किस तरीके का वाइट डिस्चार्ज आना चाहिए जिससे कि आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए या तो अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। चलिए जानते हैं, बच्चेदानी का मुँह पर आपका वाइट डिस्चार्ज का एक लेयर बन जाता है। उस लेयर को बच्चेदानी पर अच्छे से लेयर बनने के कारण वो पूरे 9 महीने तक आपके बच्चे को सुरक्षित रखता है, और जब आपका 9 महीना कंप्लीट हो जाता है, आपका बच्चा हेड डाउन करता है तो प्रेशर के कारण आपका वाइट डिस्चार्ज मेल्ट होकर पानी की तरह बाहर निकलने लगता है, जिसे म्यूकस फ्लक्स कहा जाता है। ये अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आपके डिलीवरी में काफ़ी कम समय बचा है और आपकी डिलीवरी होने वाली है। दोस्तों अगर आपके में वाइट डिस्चार्ज लगातार आ रहा है तो आपको वैसे ही नहीं रहना है, आपको अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करते रहना है जिससे कि आपके बच्चे पर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को साफ नहीं करते हैं तो आपके में बैक्टीरिया पनप सकती है जिसका असर सीधा आपके बच्चे पर होता है। आपको प्राइवेट पार्ट को साफ करने के लिए नीम का पानी का यूज़ करना चाहिए या तो अंजवाइन का पानी का यूज़ करना चाहिए या तो कोई नेचुरल क्रीम का यूज़ करना चाहिए जो कि आपके लिए कोई भी हानिकारक ना हो। आपके में वाइट डिस्चार्ज आता है तो आपको लूज पैंटी पहनना चाहिए, आपको पैंटी को चेंज करते रहना चाहिए जिससे कि वाइट डिस्चार्ज एक जगह इकट्ठा ना हो। अगर आप बार बार चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आपको पेंटी लाइनर का यूज़ करना चाहिए जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाता है। और दोस्तों आपको प्राइवेट पार्ट साफ करने के लिए आप जितना बार भी यूरिन पास करते हैं आपको नॉर्मल पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करना चाहिए जिससे कि आपको कोई भी बैक्टीरिया या तो कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल भी स्मेल नहीं करता है, एकदम पतला होता है और पूरे 9 महीने तक होता ये गाढ़ा हो जाता है और एकदम बलगम की तरह दिखाई देने लगता है। आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, आप कंफर्टेबल होते हैं और आपके प्राइवेट पार्ट में पेन नहीं हो रहा है। ये वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो बिल्कुल भी नॉर्मल होता है, इससे आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में पतली होती है लेकिन 9 महीने तक आते आते ये बलगम की तरह गाढ़ा हो जाता है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल होता है। दोस्तों अब जानते हैं आपको किस तरीका का डिस्चार्ज आता है जो कि आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बिल्कुल भी हानिकारक होता है। अगर आपका डिस्चार्ज के बजाय येलो, ग्रीन, ब्राउन ऐसे आ रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में जलन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, तब आपको पता चल जाता है कि आपके में इन्फेक्शन हो गया है। जैसे कि हमने बताया है कि ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस समय आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने प्राइवेट पार्ट का इन्फेक्शन ठीक कराना चाहिए। इस तरह का इन्फेक्शन आपको हो गया है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।